अगर आप लोग ग्लोबल विलेज जाएंगे तो इंडिया वाले पवेलियन से ये हाय गाइस, तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हम आ पहुँचे हैं ग्लोबल विलेज में, यानी कि मेरी फेवरेट जगह। तो आइए चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि इस साल नया क्या है ग्लोबल विलेज में। लेट्स गो। तो गाइस, वैसे तो ग्लोबल विलेज में देखने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है, बट हमने आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिस्ट डाउन करी हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके साथ में आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, या आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उनके लिए व्हीलचेयर या बच्चों के लिए बेबी कार्ट या फिर शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग ट्रॉलीज भी रेंट आउट कर सकते हैं। और ग्लोबल विलेज का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है इसका ये एंट्री गेट, तो यहाँ पर अपनी सेल्फी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वाले एरिया को बोलते हैं वर्ल्ड एवेन्यू, जहाँ पर दुनिया भर के जो सबसे फेमस सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बिग बैन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और ग्लोबल विलेज दुबई की इतनी सारी अट्रैक्शंस में से कोई एक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इस एक अट्रैक्शन के अंदर में दुनिया भर की बहुत सारी अट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि हमने बार बार बताया है कि ग्लोबल विलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, और आप यहाँ पर जाकर एकदम खो ना जाएं कि आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, बिकॉज यहाँ पर 27 कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के पवेलियन हैं, और उसके अलावा 24 बहुत सारी अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ के पवेलियन अलग से हैं। तो इसलिए हमने आपके ग्लोबल विलेज के टूर को आसान बनाने के लिए सोचा कि आप लोगों को हम बताएं कि वो कौन कौन से पवेलियन हैं जो आपको ज़रूर विजिट करने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विद अफ्रीका। तो अफ्रीकन पवेलियन से आप शिया बटर, कोको बटर जैसे स्किन केयर के ऑर्गेनिक और होममेड प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अलावा आपको हैंडीक्राफ्ट की भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे यहाँ पर ये ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगी थी, और उसके अलावा ये सब जो एनिमल्स का स्ट्रक्चर्स थे और होम डेकोर पीसेस थे वो भी मुझे काफ़ी पसंद आए, और इनका प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, बिकॉज़ ये सब चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका से ली थी जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी। तो अगर हमें पहले मालूम होता तो हम ग्लोबल विलेज से ही ले लेते। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं यूरोप में और दिखाते हैं कि क्या क्या है यूरोप पवेलियन के अंदर। तो मोस्टली तो आपको यहाँ पर वार्म क्लोथ्स और एक्सेसरीज ही देखने को मिलेंगे, बट अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो यहाँ पर एक पूरा स्टोर है जहाँ पर हैरी पॉटर वाली सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आप लोग चाहें तो मुझे जज कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली गाइज आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फैन। और यहाँ पर यूके वाले स्टोर से आप लंदन की या यूके की चेन्स या फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह ले सकते हैं, और यूरोप का फेमस डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ पवेलियंस के अंदर हम जान के नहीं गए फॉर ऑब्वियस रीजंस लाइक रशिया। आप चाहें तो आप अमेरिका वाले पवेलियन में भी जा सकते हैं। हम उसके बाद गए सीधा कोरिया वाले पवेलियन में, बिकॉज आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि कोरिया के कॉस्मेटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और इंडिया में तो पिछले कुछ टाइम से कोरिया का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लाइक कोरियन ड्रामा, कोरियन खाने और कोरियन कॉस्मेटिक्स। एंड नाउ लेट्स गो टू वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज, दैट इज टर्की। तो मेरे हिसाब से तो टर्की वाले पवेलियन से आप सबसे ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्राइसेस इतने कम है चीज़ों के, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। आई मीन सीरियसली इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइटम्स 5-10-15 दरम में आपको पूरे ग्लोबल विलेज में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। होम डेकोर आइटम से लेके हर्बल टीज या फिर दूसरों को गिफ्ट करने के लिए हर तरह की चीज़ आपको टर्की के पवेलियन में मिल जाएगी। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और हर पवेलियन में उस कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट खाने भी होते हैं, तो खाने का भी यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्शन है टर्की में। तो आपको यहाँ के डेजर्ट से लेके
स्वीट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पर, जूसेस, चाट और टर्किश आइसक्रीम जो कि दुनिया भर में फेमस है फॉर देयर स्टाइल ऑफ सेलिंग। तो अगर आपने कभी टर्किश आइसक्रीम ट्राई नहीं करी है तो वो भी ज़रूर ट्राई करें, नॉट फॉर द आइसक्रीम बट फॉर द एक्सपीरियंस। एंड नाउ लेट्स गो टू द एवरीवन्स फेवरेट कंट्री, इंडिया। और इंडिया वाले पवेलियन में आपको वही सब कुछ देखने को मिलेगा जिसके लिए इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस है, लाइक इंडिया का स्ट्रीट फूड, देसी चाट, डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने, कपड़े, लोग, कल्चर, हर रीजन से आए हुए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और इंडिया का पवेलियन बहुत ही बड़ा बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। तो गाइज, मैंने ये एक तेल लिया था इंडिया में जिसने कि इतना फ़ायदा करा था मेरे बालों के लिए, वो इतना अच्छा हेयर ग्रोथ हो गया था और पूरा हेयर फॉल रुक गया था। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे वो तेल वापस कहीं से मिल जाए, मैं कैसे कहाँ से मंगवाऊँ इंडिया से। एंड यू वोंट बिलीव कि हम लोग ग्लोबल विलेज में घूम रहे थे और इंडिया वाले पवेलियन में आई फाउंड द सेम ऑयल। और गाइज, इसका जीता जागता प्रूफ है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। मैडम, आपने बाल दिखाइएगा एक बार घूम के, जस्ट लुक एट दैट। और इत्तेफाक की बात है कि ग्लोबल विलेज में इन्होंने इस बारी पहली बार स्टॉल लगाया और मुझे ये मिल गया। और मुझे पता चला कि ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं यूएई में भी और इंडिया में भी। फॉर दिस 150 प्राइस। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा इसका प्राइस 150 दरम है, मगर हमने इनको बहुत मुश्किल से कन्विंस करा है 100 में देने के लिए। और हमने बोला कि हमारी वीडियो से बहुत सारा आपके पास बिजनेस आएगा, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देखकर ये ऑयल लेने के लिए आ रहे हैं ग्लोबल विलेज, तो आप हमारे चैनल का नाम बताएंगे तो आपको भी ये बॉटल 100 दिरहम में मिल सकती है। और गाइस, इस शॉप का नंबर है 208 इंडिया वाले पवेलियन में, और ये आपको ज़रूर ज़रूर खरीदना चाहिए। इट्स अ मस्ट बाय फ्रॉम ग्लोबल विलेज। अब हम एक बार भी ईरान नहीं गए यहाँ पर, लेट्स गो टू ईरान। और गाइस, इंडिया के अलावा दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव पवेलियन लगता है वो है ईरान का, बिकॉज ये भी इतना बड़ा है, इतना ग्रैंड लेवल का है और इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। उसका जो आर्किटेक्ट, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। एंड इफ़ यू वॉन्ट ओरिजिनल सैफ्रॉन देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, बट बहुत ही महंगा मिलेगा आपको, बिकॉज ईरान में सारी चीज़ें बहुत ही ओरिजिनल और हाई क्वालिटी की हैं। तो वहाँ पे कारपेट्स, एंटीक पीसेस, होम डेकोर, लैम्प शेड, क्रॉकरी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट बहुत बहुत एक्सपेंसिव। और इतना महंगा होने के बावजूद ये चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि यू कैंट रेजिस्ट। और अरबी तो यहाँ से ट्रॉली भर भर के शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं। और वैसे तो अरबी लोगों के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो कि सारी नेशनैलिटीज़ के बारे में होते हैं, बट यहाँ के जो लोकल एमरातीज़ हैं वो लोग इतने ज़्यादा दिल वाले होते हैं, ये तो हमने इस बार खुद एक्सपीरियंस कर लिया। एंड इफ़ यू आर क्लूलेस कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाके जो मैंने लेटेस्ट रील ग्लोबल विलेज के ऊपर पोस्ट करी है वो अभी जाकर देखें, एंड इट विल ब्लो योर माइंड। और इतना घूम घूम कर जब आप थक जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको भूख भी लगेगी, तो खाने के लिए यहाँ पर हज़ारों ऑप्शन है। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से पर्शियन कबाब ज़रूर ट्राई करें, एंड यू विल लव इट। और इस साल से उन्होंने ग्लोबल विलेज में जो कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं उनमें से एक इस ड्रैगन लेक में ये लेज़र शो भी है जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। और पूरे ग्लोबल विलेज का ये मेरा फेवरेट पार्ट है बिकॉज आई लव एडवेंचर। और यहाँ के जो टॉप 5 राइड्स हैं वो मेरी लिस्ट में है जो कि मुझे ज़रूर करनी है, जिसमें से एक मैंने अपनी सिस्टर के साथ करी थी इस साल अप्रैल में जब मेरी सिस्टर आई थी। और अगर मैं इस टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं एक और राइड उसमें से ज़रूर ट्राई करती। तो अगर आप भी एडवेंचर लविंग है मगर आपके पास टाइम नहीं है एक पूरा दिन किसी थीम पार्क में जाने के लिए, या फिर आप इतने महंगे महंगे थीम पार्क के टिकट्स लेके नहीं जाना चाहते, देन आप ग्लोबल विलेज के जो टॉप 5 मोस्ट स्केरियस्ट राइड्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें। और इस ड्रैगन लेक में
आबरा राइड भी चलती है, तो अगर आप चाहें तो बोट राइड भी ले सकते हैं। और ये है मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पवेलियन पाकिस्तान का, बिकॉज़ अगर हम अपनी वीडियोस में इसे दिखाते हैं तो इंडिया के कुछ जो बहुत ही कट्टर अंधभक्त लोग हैं, ब्रेन वॉश, वो फिर हमें देशद्रोही बुलाते हैं, और अगर हम ना दिखाएं तो हमारे जितने भी पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। पर हम सिर्फ प्यार और भाईचारे का मैसेज ही देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, बिकॉज डजंट मैटर आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपके पास कोई भी पासपोर्ट हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, अगर आप दूसरी कंट्री के लोगों से या अपने ही कंट्री में दूसरे रिलीजन या दूसरे रीजन के लोगों से नफरत करते हैं तो आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने रिलीजन का और अपने देश का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। और ग्लोबल विलेज में बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स भी होते हैं जिसका आप स्केड्यूल उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है या डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं यहाँ के मेन स्टेज पे, जो कि आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। और गाइज, हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट इंडियंस अब्रॉड ऑफिशियल, जहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। और एक गाइज, तो ये था आज का वीडियो, भी होप कि आपको देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के इंफोटेनिंग वीडियोज लेकर आते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।